नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को सकल यूट्यूब ब्लॉग में। और आइए दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ फिर से लुगु बाबा स्टेडियम लइयो, जहाँ पर मैं दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि लुगु पहाड़ यही है और लुगु बाबा उसी पहाड़ के ऊपर में उसका भव्य मंदिर है। जो लोग 14 जनवरी का बहुत बड़ा मेला लगता है उसी को उपलक्ष्य में यहाँ जितिया उपलक्ष्य में लुगु बाबा के यहाँ स्थान दिया गया और हर साल की बात यहाँ पर पूजा होती है। तो चलिए मैं उस मंदिर में आपको लेकर के चलता हूँ। ये रहा लुगु बाबा। लुगु बाबा पूजा का जो क्षेत्र का अध्यक्ष है माननीय श्री मदन मातो जी, जो कि पूजा कमेटी का अध्यक्ष है। सर, आप हमें इसका थोड़ा सा लुगु बाबा जो स्टेडियम है या स्थान है, इसका महत्व थोड़ा सा बता दीजिए। आज आप देख रहे हैं जो लुगु बाबा का स्थान है, इस जगह पे भक्तों का तादाद लगा हुआ, कहूँ ना कहूँ लोगों को प्रति सनातन धर्म में आस्था है और ये आस्था निश्चित रूप से यह लुगु बाबा का देख रहे हैं। बगल में लुगु पहाड़ है, उसका ये आस्था उनके जगह पे उनका एक जगह दिया गया है। लोगों ने कई वर्षों से, मुझे लगता है पिछले 500 वर्षों से इस जगह पे लुगु बाबा के आस्था दिया गया है। और ये आस पास में कम से कम 20 से 30 किलोमीटर या 40-50 गाँव है जो इस पर आस्था लोग रखते हैं। जो भी मनोकामना मांगते हैं वो निश्चित रूप से लुगु बाबा उसका मनोकामना पूरा करते हैं। तभी आप देख रहे हो जो भीड़ है और लोगों में जो
आस्था है, विश्वास है, वो आपको दिख रहा है। निश्चित रूप से इस रूप में लुगू बाबा का स्नेह प्यार लोगों में आशीर्वाद है, और जो भी दुख तकलीफ हो या किसी भी हो मुसीबत में रहते हैं, इन्हें याद करते हैं, उनका मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। तो देखिएगा अभी सैकड़ों, कई सैकड़ों के संख्या में बलि होता है बकरा का, लोगों कहो ना कहो आस्था है और मनोकामना पूरा होता है तभी लोग देते हैं, न तो स्थान में क्यों आते। जरूर आने के पीछे इसका मकसद है कि लोग जो भी मुसीबत में हो, दुख में हो, सुख में हो, लोग याद करते हैं, उसका मनोकामना पूरा होता है, तभी लोग इस आस्था को पूजा करने के लिए या लुगू बाबा का आज हम लोग जीतिया के शुभ अवसर पर लुगू बाबा का एक पूजा होता है। और ये पूरे गांव में आसपास के 20-25 गांव है, कम से कम 30,000 से 40,000 आबादी का। उसके बाद धीरे धीरे आया उसी के लुगू बाबा के नाम पे मैच चला, मैच का भी देख रहे आस्था इस तरह का व्यवस्था नहीं है, नहीं तो जो मैच का जो भीड़ और तादाद देखिएगा प्लेयरों का, पूरा स्टेट लेवल में भी ऐसा मैच नहीं होता। लेकिन संजोग कहिए जो व्यवस्था मिलना चाहिए खिलाड़ियों का बीच में, उस तरह का ग्राउंड स्टेडियम हम लोग उस सक्षम नहीं है, वैसे सक्षम पदाधिकारी या जो आते हैं उस व्यवस्था उस अनुकूल नहीं दे पा रहे हैं। तो यह स्टेट लेवल का भी गेम आप देखे होंगे कि आप पूरे स्टेट लेवल में भी इस तरह गेम का लोग का जो गेम देखने वाले का जो जुनून होता है, जुनून देखिएगा, जुनून यहाँ देखने को मिलेगा, मिलेगा खिलाड़ियों के प्रति कि दर्शक कितना फुटबॉल को चाहते हैं, वो फुटबॉल को देखना है तो ऐसे जगह में आप देखिए कई जगह लोग दिग्गज लोग करा रहे हैं, आपको भी कर रहे हैं, वैसे स्थिति में यहाँ शून्य के बराबर व्यवस्था है, और उसके मार्फत उसके व्यवस्था में उससे कई गुना सरकार एक तरह से स्टेडियम में मैच कराती है ब्लॉक हो जिला स्तर पर, लेकिन इस तरह का भीड़ नहीं हो पाता है, लोग फुटबॉल के चाहने वाला नहीं, लेकिन इस जगह पे आप देख रहे हैं लुगू बाबा का आशीर्वाद से भीड़ को देखने के लिए लोग कम से कम 30,000 से 40,000 लोग यहाँ पे आते हैं। जरूर जरूर लेके मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा। निश्चित रूप से लुगू बाबा का प्रांगण में लुगू बाबा सभी को आस्था स्नेह प्यार इसी तरह जताए रहे और लोग भी उनके पर विश्वास रखते रहे। यही चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत। वह मदन महतो इस आयोजन समिति के अध्यक्ष सह इस पंचायत का मुखिया भी है। मेरा नाम मदन महतो सुरेश कुमार महतो हुआ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी तक तैयार हो चुका है और जीतिया लुगू बाबा पूजा सह दुर्गा पूजा समिति के तमाम काफिले यहाँ पर है और जय लुगू बाबा स्टेडियम में हमारे अनुभवी लोग भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, गार्जियन स्वरूप लोग। और मैं जानना चाहता हूँ भैया ये पूजा यहाँ कब से चल रही है, थोड़ा बताइए इस स्थल का महत्व क्या है सो बताइए हमें। लगभग हम अपना जो जन्म है उसके पहले से कब से चल रहा है तो हम नहीं बता जी, हम जब से ख्याल लग जितना एज हो गया उसके अनुसार हमको लगता है कि कब से हम जान रहे हैं, तो कब से चला रहे हैं हम नहीं जान पा रहे हैं ना, क्योंकि इस पूजा का स्थल का बहुत ही महत्व है तभी तो लोग यहाँ पर आते हैं। स्थल है प्राकृतिक से जुड़ा हुआ चीज़ है जी, सामने में जो लुगू पर्वत है जी, एक सामना हम लोग यहाँ रोज किए होंगे लुगू बाबा के नाम पर, उनके नाम पर सुरक्षित हुआ है। जानकारी ये तो बता सकते हैं कि वर्षों से चल रहा है, मेरा लगता है कि इस महीने में 16-17वां पीढ़ी होगा प्रसिद्ध हमारा, बोले तो उस पीढ़ी में भी शुरुआत किए होंगे, तो जुड़ा हुआ मामला है लुगू पर्वत से जुड़ा हुआ मामला है, वहाँ भी लुगू पर्वत का भी लुगू का नाम है जी। तो पर्वत फिक्स टाइमिंग नहीं है कब से पर्वत है, जब यहाँ पर आए हुए तब से पर्वती से जुड़ा हुआ पूजा मेरे ख्याल से यही है। काफ़ी मन्नत रहता है लोगों का, आस्था है इस पूजा में, गांव से लेके बलरी से लेके और दूसरे गांवों का भी आस्था होती है, और इसी आस्था का देने के साल भर अपने मनोकामना को गच्छित रखते हैं। तीन साल आके यही इसी स्थिति में इसी तिथि में लोग अपना बलि बकरा दिन देते हैं और अपना ये सब तमाम अभी बलि दिए जाएंगे, बकरा लोग अभी बलि यहाँ पर दिया जाएगा। मुख्य पुजारी
प्रदीप गंजुआ और मनोज गंजुआ दोनों सगे भाई हैं, जो हर साल की भांति हैं लोग बहुत ही निष्ठापूर्वक दुगु बाबा और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ गाइज कि यहाँ के दुगु बाबा जो भी पूजा स्थल है यहाँ पर हमारे माताएं बहने लोग यहाँ पर नारियल नहीं फोड़ सकते हैं, चूँकि घर के साली लगा है मालिक आये है थोड़ा छुआ चंगा के गुजर लक्ष्मी हर्षा बैल है समस्याओं को रखते हुए और समस्या को निदान हेतु जानकारी ले रहे हैं, बता दे रहे हैं कि समस्या को कैसे समाधान किया जाए। पर गोती है लगा हूं मैं अगला का बाहर बाहर यार अरे से बाहर और मेरा कुछ नहीं है। और इस तरह एक-एक करके समस्या रख रहे हैं लोग बाबा को और निदान बता रहे हैं।
दोस्तों मैं कुछ मेला का भी दृश्य आप लोग को दिखाता हूँ, बने रहे आप मेरा ब्लॉग में से कल ब्लॉग में। और जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ ही पल में आज का टूर्नामेंट फाइनल होगी, उससे पहले मैं मेला का दृश्य कुछ आप लोग को दिखाऊंगा। तो बच्चों का सबसे पसंदीदा आइटम है जो बिक्की माउस में आपको दिखाता हूँ पहले, उसके बाद मैं एक एक करके आइटम दिखाता रहूँगा। और ये रहे बच्चों का पसंदीदा खेल आइटम बिक्की माउस, जो बच्चे काफ़ी इसमें मौज मस्ती करते हैं। थोड़ा सा साइड में खड़ा रहिए ना, आप लोग बाहर से देखिए ना, बच्चा सब खेल रहा है जी। नहीं और ये डेकोरेशन के सामान है आप देख रहे हैं। और गाइस इधर मैं दिखाता हूँ स्मॉल चिल्ड्रेन का सबसे पसंदीदा झूला, ये छोटे बच्चों का जो काफ़ी लोकप्रिय है और मेला में आकर के बहुत ही शोभा बढ़ाते हैं इन लोग भी। बिक्की माउस के बाद ये झूला आता है बच्चों के लिए सबसे पसंद। और ये शिष्य बगल में झूला भी लगी हुई है जो कि झूला का आनंद देते हैं मेला का तमाम दर्शक। और जैसे ऐसे समय की जा रही है वैसे से भीड़ और बढ़ता ही है। और दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप ब्लॉग बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करते हैं, शेयर करें और थैंक यू।